हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और ये किस तरह तैयार किया जाता है, और फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी टाइप होती हैं, तो ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाइक सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स साथ ही देगा बेल आइकन को लाइक प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहुंची रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से प्रॉफिट लॉस को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस आपका तैयार होता है आपके ट्रायल बैलेंस से, और इसके अंदर आपकी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर को ही काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पूरे फॉर्मेट के साथ मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा इनकम और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर। और इन सबको मैंने यहाँ पे कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेंटर में, और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा फ्रेंड्स का साइज बढ़ा दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसको मर्ज किया, बोल्ड किया और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया इधर मैंने। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं जाऊँगा ट्रायल बैलेंस के अंदर और यहाँ पे मेरे पास जो भी इनकम है मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं गया और मैंने यहाँ पे फिलहाल इसको साइड में इधर डाल दिया। और फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से मैंने इसको उठा के इधर डाल दिया, और ये आपका हो गया इनकम साइड। अब जो आपकी बची है वो है आपकी एक्सपेंस साइड। तो मैं यहाँ पे इसको उठा लूँगा यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके, और मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल सी प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ से इसको मैं डाल दूंगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ मेरे पास से कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, याद रहे इसके अंदर कि आपका प्रॉफिट के अंदर से आप एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो भी आपके पास डिफरेंस आएगा वो आपका सरप्लस फॉर द ईयर या फिर सरप्लस ऑफ द एंड के लाएगा। देखते हैं कि आपका इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसको इधर करूंगा सम, और यहां से मैं इसको करूंगा इधर सम। कर दिया मैंने इसमें यहां पे। अब मैंने देखा यहां पे कि इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस एंटर। अब फ्रेंड्स, मेरे पास यहां पे सबसे पहले तो मैं इसको यहां पे कॉमा लगा लेता हूं, और इसको भी यहां से मैं इसके अंदर कॉमा लगा लेता हूं। अब देखिए यहां पे मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 4464799। अब ये आपका टोटल क्या लाएगा, सरप्लस फॉर दी पीरियड। सरप्लस फॉर दी पीरियड। तो फ्रेंड्स, यहां से मैं इसको टोटल को डिलीट कर लेता हूं और मैं इसको यहां से इधर कर लूंगा इसका टोटल। और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा इसका टोटल इधर, और इसको मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, और इसके बाद इन सब का टोटल मैं यहाँ लेकर आऊँगा। ये देखें यहाँ पे ये सब टैली हो गया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोजिंग का साइन लगा दूंगा इधर कि इस तरह से, इसको मैंने यहाँ से क्लोजिंग का साइन लगा दिया।
इसके बाद मैं इसको मैंने इसको क्लोजिंग का साइन लगाया, इसको मैंने क्लोजिंग का साइन लगाया, इन दोनों को मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से तैयार होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो गया। अभी बस मैं इसमें करूंगा क्या कि जो भी आपका यहाँ पे यानी कि सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, या फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ से भी बॉर्डर को सिलेक्ट करके मैं इधर भी कर सकता हूँ, तो मैंने इसको बिल्कुल यहाँ से गायब कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका बीच में जो जो भी वो होगा ये इस तरह से कि बीच में आपकी एक रो आ गई। अब आप इसका प्रिंट देखें, ये देखें इस तरह से आपका प्रिंट तैयार होगा। मैं इसका थोड़ा सेटअप सेटअप कर लेता हूँ अभी। ये A4 साइज में मैंने कर दिया इसको, और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज मैंने कम कर दिया। अब देखो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर से नीचे लेकर आ गया। ये देखो इस तरह से फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो जाता है। यानी कि अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो इस तरह से आपका इनकम भी आ गई, आपकी सारी एक्सपेंडिचर भी आ गए, और ये आपका सरप्लस फॉर द पीरियड आ गया यहाँ पे। इसको भी आप कोई साइन दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक ये लाइन दे दी। अब देखिए इसका प्रिंट के ये प्रिंट में किस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए ये आपका कहलाएगा सरप्लस फॉर द पीरियड, आपने इसको भी यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ये देखिए इस तरह से इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। ये फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी तीन तरीके होते हैं, या फिर ये कह लें कि इसके तीन फॉर्मेट होते हैं। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर तो वही आती है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा चेंज होता है बनाने का। ये आपका कहलाता है टी साइड अकाउंट, यानी कि बीच में एक रो आ गई, यहाँ पे आपकी इनकम आ गई, यहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर आ गए। इसके बाद आपका दूसरा जो टाइप कहलाती है वो होती है आपकी ई साइट। इसके बाद जो आपकी दूसरी तीसरी टाइप जो कहलाती है वो होती है एफ साइट। तो यहाँ पे मैं सबकी हेडिंग एक ही लूंगा, यहाँ मैंने हेडिंग ले ली। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे ई साइट अकाउंट, यानी कि इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले लूंगा अपनी इनकम, इनकम मैंने ले ली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दी। अब मैंने इसको यहाँ पे इधर एंटर कर दी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इनकम, और इनकम मैंने इसको लिख के इधर मर्ज कर दिया सेल, इसको बोल्ड करके थोड़ा साइज बढ़ा दिया। और फ्रेंड्स मैं इसको कर दूंगा टाइम्स न्यू रोमन के अंदर, ये सो मैंने कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इधर लिखूंगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और इसको भी मैं यहाँ सेंटर करके बोल्ड कर दूंगा, और इसकी भी मैं टाइप लूंगा यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन। ये देखिए तो फ्रेंड्स अब मैं जाऊंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, और यहाँ पे जो भी मेरे पास एक्सपेंस हैं उन सबको मैं यहाँ से उठा लूंगा। और फ्रेंड्स याद रहे कि आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, कैश बैलेंस, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस या फिर असेट या लाइबिलिटी आपको नहीं उठानी, आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर ही उठाने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको उठा के इधर लेकर आऊंगा। और फ्रेंड्स आपको इधर बताऊंगा मैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपका इस साइड पे जाएगा जरा थोड़ा सा। और इसके बाद मैं इन रोज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसको यहाँ से पहले मर्ज आउट कर दिया, इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सम कर दिया, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा सरप्लस फॉर दी पीरियड, सरप्लस फॉर दी पीरियड, यहाँ से मैंने इसका टोटल निकाल लिया, और इधर मैं करूँगा इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस, एंटर। अब इन दोनों को पकड़ के मैंने यहाँ पे सम कर दिया। अब देखें 4969564, यहाँ पे आ रहा है 4969564। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ पे क्लोजिंग का साइन देता हूँ एक, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इधर एक ये लकीर डाल दूंगा यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे ये लकीर डालूंगा इधर ये वाली, और यहाँ पे मैं एक क्लोजिंग का साइन दूंगा, यहाँ पे भी मैं क्लोजिंग का साइन दूंगा, और यहाँ मैंने लिख दिया टोटल। इसको इधर बोल्ड करके सेंटर में कर लिया मैंने। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से तैयार होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया। तो फ्रेंड्स ये आपकी इनकम आ गई, ये आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गए, और ये आपका सरप्लस फॉर द पीरियड आ गया, यानी कि इनकम के अंदर से आपने अपने एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो ये आपका प्रॉफिट आया है, और आपने अपने टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट को प्लस किया तो आपकी टोटल इनकम बन गई। तो अब आप इसका देखें कि यहाँ पे आपका, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको ताकि ये सेकंड पेज पर आ जाए, मेरे यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अब देखें कि ये सेकंड पेज पर अलीहदा अकाउंट किस तरह नजर आता है। ये तो आपका फ्रेंड्स टी साइड हो गया, ये आपका ई साइड अकाउंट तैयार हो गया। अब फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि एफ साइड अकाउंट किस तरह तैयार होता है, एफ साइड अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कट का साइन, तो इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा इसको, यहाँ से मैंने कर लिया सारी हेडिंग को इधर कॉपी, यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। इसके बाद एफ साइड अकाउंट के लिए भी मैंने यहाँ सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे उठाऊंगा अपने एक्सपेंस साइड। इधर आप ज़रा गौर करेंगे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे उठाया था इनकम, इसके बाद मैंने उठाया था एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले उठाऊंगा अपने पास एक्सपेंस, अब यहां पे मैं उठाऊंगा इनकम। तो फ्रेंड्स यहां से मैंने उठाए अभी इनकम और मैंने यहां पे इसको डाल दिया। इसके बाद मैंने इधर लिखा यहां पे एक्सपेंडिचर और इधर मैंने लिखा इनकम, और इन दोनों को मैंने यहाँ से मर्ज कर लिया, बोल्ड करके साइज बढ़ा लिया थोड़ा सा, इसको भी मैंने यहाँ से बोल्ड करके इसके अंदर मर्ज कर दिया और साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लिया, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। और फ्रेंड्स बीच में एक रो आएगी यहाँ पे ताकि इसकी जो भी फॉर्मेटिंग हो वो कंप्लीट हो जाए। ये देखिए इस तरह से एक रो आ गई यहाँ पे, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का अगर मैं इधर टोटल करूँगा और इसकी टोटल इनकम में निकालूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा इतना कर दिया इसको मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लोजिंग का साइन डालूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सरप्लस फॉर दी पीरियड, सरप्लस फॉर द पीरियड। अब फ्रेंड्स मैं टोटल इनकम के अंदर से टोटल एक्सपेंस को माइनस करूंगा, मैंने यहां पे किया इक्वल टू टोटल एक्सपेंस, सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, ये आ रहा है आपका सरप्लस फॉर द पीरियड। अब टोटल एक्सपेंस और सरप्लस फॉर द पीरियड को मैंने यहां पे सम किया, और ये देखेंगे आपका
4969564 4969564, यानी कि ये आपका अकाउंट तैयार हो गया इधर। और इन सबको मैंने यहाँ पे एक एक क्लोजिंग का साइन दे दिया, और इधर मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल, और इसको मैंने एंटर कर दिया बोल्ड करके, मैंने सेंटर में कर दिया इसको, इसको भी मैंने बोल्ड करके सेंटर में कर दिया। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार होता है। तो फ्रेंड्स पहली जो साइड आपकी कहलाएगी ये है आपका टी साइड अकाउंट, ये है आपका ई साइड अकाउंट, और यहाँ पे आ गया आपका एफ साइड अकाउंट, यानी कि एफ साइड टी साइड से बिल्कुल उलट होता है। यहाँ पे आपके इनकम आती है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा, यहाँ पे लिखा है इनकम। तो फ्रेंड्स बस इतना सा फर्क होता है। और अगर आपके पास कोई चेंजिंग हो तो फ्रेंड्स आप नोट करेंगे ज्यादातर आपकी फॉर्मेटिंग में ही चेंजिंग होती है, बाकी आपकी इनकम हेड वगैरह सब कुछ सेम होता है। सरप्लस फॉर द पीरियड भी से आपका सेम ही होता है, सिर्फ आपको इनकम के अंदर से एक्सपेंडिचर को माइनस करना होता है, फिर जो भी आपका बैलेंस आता है वो आपका सरप्लस फॉर द पीरियड कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से प्रॉफिट लॉस तैयार कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस को तैयार करने का क्या तरीका होता है, और फ्रेंड्स प्रॉफिट लॉस की तीन साइडें होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछें, और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पर पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।